सो यो व्हाट्स गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम सबको मेरी तरफ से पहले जय श्री राम और हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस इस्कॉन फिर से। तो कितने लोगों ने कहा था कि ब्लॉग नहीं आ रहा, कमेंट बहुत बंदों ने किए थे। इवन गली के मेरे फ्रेंड की मम्मी ने ही पूछा कि ब्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आएगा, तो आज हमने ब्लॉग निकाल दिया। और आज यार गाइस बहुत स्पेशल डे है, इवन मेरे लिए, शायद आपके लिए बट मुझे ना लगे, बट हाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, वहाँ पे है आज क्या कहते हैं अपना मैंगो फेस्टिवल है आप में, तो हम मैंगो फेस्टिवल मनाएंगे। तो चलते हैं अभी और वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं इस बार आपको दिखाएंगे। और लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था वो भी यहाँ इस्कॉन का ही बनाया था, और अब भी फिर से इस्कॉन का बना रहा हूँ। तो भाई लेकिन लिटरली इस्कॉन जाके ना मज़ा आता है, एक बार आप भी आना। तो अभी हम फिलहाल इस्कॉन चल रहे हैं, और इस्कॉन में जाके मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, पहले वहाँ पे हम चलते हैं। और मैं पिछली बार आया था वहाँ, उस टाइम पे हो रखा था बोट फेस्टिवल था उस टाइम पे, तो मैंने उसका क्लिप बनाया था बट मैं वो डाला नहीं, अपलोड नहीं किया। तो इस बार मैं वो लगा दूँगा हल्की सी क्लिप, पहले आप वो देखो, तब तक मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज हम फिर से मंदिर में एंटर हो चुके हैं, बट अभी भीड़ कम है क्योंकि आज हम जल्दी आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है, देखो, अरे यार देख नहीं रहा, मतलब मैं बता ही देता हूँ आपको मुँह से, टाइम हो रहा है अभी 3:54। अभी भीड़ हल्की है, जब मंदिर खुलेगा ना उसके बाद देखना भाई कितनी भीड़ हो जाएगी। बट अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर अपने, जहाँ पर हम क्लास वगैरह लेते हैं उस साइड पर चलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ पर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपसे अपने आश्रम में, जहाँ पे हमारे सारे गुरुजी वगैरह होते हैं, हमारे जितने भी गुरुजी हैं सारे यहाँ पे रहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 2 3, ये मैंने पूरा धोती कुर्ता आउटफिट पहना है, एक बार आप बताना कैसा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ इस्कॉन के अंदर ही मंदिर में ही मार्केट है, तो मैं मार्केट पर जाऊँगा, मार्केट से मेरे को सामान लेना है। एक मैंने ये है, माला होती है, ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, माला होती है, इसको पहले मैं बैग चेंज करूँगा, उसके बाद अभी मार्केट चलेंगे, मार्केट में भी आपको दिखाऊँगा। तो वो भी अंदर बैठे हुए हैं गुरु जी के पास, मनीष बैठा हुआ है। तो फटाफट यहाँ से फ्री होके फटाफट निकलते हैं, फिर उसके बाद हम मंदिर पर जाएंगे, मंदिर से होके फिर आप यहाँ पे आके हमें फिर क्लास भी लेनी है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, अभी टाइम हो रहा है, अरे यार तो अभी 4:20 हो रहे हैं, देखते हैं फटाफट जब तक निकलते हैं हम। सो गाइस फाइनली भीड़ होनी शुरू हो चुकी है, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, और ये लाइन लगी कौन सी, दर्शन के लिए है ना, अब हम डायरेक्ट चले आएंगे। तो अभी हम फिलहाल देखो कितनी लंबी लाइन जा रही है यहाँ से, ये सिर्फ दर्शन के लिए है। और अभी हम जा रहे हैं शॉप पे, हमें कुछ सामान लेना है, हमें क्या मतलब सिर्फ मुझे ही लेना है, इनके पास तो है ही है। तो ये रही शॉप, अब चलते हैं ले कर आते हैं। और ये रहा मैं, एक बार आउटफिट देखना कैसा है। यहाँ पे हम आ गए हैं शॉप में, भाई क्या ठंड लगा है यहाँ पे, एकदम शांति से। क्या है प्लेन वाला, नहीं भगवान के जस्ट ये वाला ले लें, धोऊंगा नहीं इसको मैं, चल झूठा, मतलब गंगा जल में धोऊंगा एक बार, उसके बाद उसमें डाल दूंगा, मर्जी है बंदे की है, तो ये वाला अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो कितनी सारी मालाएं लेने के लिए, कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने ये वाली देखी है, सो गाइस मैंने ये सामान ले लिया है, ये रहा मनीष, मनीष का आउटफिट देखो, हरे कृष्णा बोल, तो ये सामान ले लिया मैंने यहाँ से गिफ्ट शॉप से लिया था। और भाई ने भी धोती कुर्ता ले लिया, भाई भी पहनेंगे, कब पहनोगे हरे कृष्णा, हाँ जी कब पहनोगे भाई, पहनोगे, चलो जल्दी पहनो। तो देखो एकदम मस्त वीडियो बन रही है, वीडियो बंद करना। और यहाँ पे देखो उठ जा, यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रखी है, और मौसम भी अभी मस्त हो गया। तो फटाफट ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, पहले मैं इसको अच्छे से लगा लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। A few moments later. Oh,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 So guys मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारी क्लास होगी यहाँ पे इस साइड पर। तो इसमें मैं आपको ये लेके आया था, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर होती है गाइस माला, तो माला का जाप करते हैं हम लोग। और इसमें क्या होते हैं, ये गिनने के लिए होते हैं कि कितनी हमने माला कर दी है इस वजह से। और यहाँ पे ये बैच लिया है मैंने, जिससे कि हम इसे सजा सकें, क्योंकि जो इसके अंदर माला होती है हम उसको भगवान का प्रतीक देते हैं, भगवान मानते हैं। तो इस वजह से तो हम इसको जितना सजाएँ उतना अच्छा है। तो इसमें हमें माला बस वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बाकी ये ऐसा है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए मनीष आ रहा है, जैसे ही मनीष आता है उसके बाद हम चलेंगे अंदर क्लास के लिए। और तो वो भाई सागर भाई की धोती वगैरह थी वो थोड़ी छोटी पड़ गई, तो कुर्ता उनको ठीक नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए वो गए कुर्ता चेंज कराने। वो आएंगे फिर उसके बाद हम क्लास में चलते हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है 3:55 हो रहे हैं, तो सागर भाई का वेट कर रहे हैं। सागर भाई आते हैं फिर उसके लिए क्लास में निकलते हैं। सो भाई जब हम आ चुके हैं क्लास में, यहाँ पे सारे क्लास ले रहे हैं, उधर प्रभु जी अपनी क्लास बता रहे हैं। Eternity later. So guys, यहाँ पे भी कीर्तन हो रहा है, देखो। और यहाँ पे पीछे प्रसाद में बैठ चुका है, जो कि अभी बांटा जाएगा। आगे प्रसादम, अब हम प्रसादम खाएंगे। पहले सब मैम ने बांट दिया, अब उसके बाद हम खाएंगे प्रसादम। सो गाइस हम क्लास क्लास लेके निकल चुके हैं, अब घर को वापसी जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। एक बार हम दोबारा मंदिर जाएंगे दर्शन करके फिर वापस चलेंगे। और आज मैंगो फेस्टिवल था, वाइफ ने इतने सारे आम ले लिए, बाकी के थोड़े बहुत सबको मिले, बट मैंने सबसे ज़्यादा लूटे हैं। शाम का है टाइम, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है, आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन। और जब बोट फेस्टिवल था मैंने वहाँ से शूट किया था, इतना दूर तक यहाँ पे और यहीं पे हो रहा था बोट फेस्टिवल, जिस तरीके से आप देख पा। A few moments later. So guys, मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। और मैं घर तो मतलब बहुत देर से आ गया था, मैं करीब लेट हो गया था। और इस बार 11:30 बजे तक मैं घर पे आया, मतलब 10:30-11 बजे तक घर पे आ चुका था। और फिर उसके बाद अपन क्या कहते हैं, आया मैं, खाना तो कुछ खाया नहीं क्योंकि वहाँ से हम प्रसादम खा के आए थे, तो उस वजह से भूखने लगी। तो गाइस ये था आज का मेरा व्लॉग, और आप बताना एक बार आपको कैसा लगा। मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने आज धोती कुर्ता पहना, तो लिटरली वो बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार आप कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, एकदम ठीक था कि नहीं था, जो भी है कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगता है लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे दिख रहा होगा। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।